त्रिवेंद्र सरकार का विधायकों के साथ मंथन पर अब कांग्रेस ने चुटकी ले ली है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने साफ कहा है कि जहां सबके मन में विष भरा हो वहां मंथन से अमृत नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों के विधानसभाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने बीजेपी विधायकों के क्षेत्रों की समीक्षा की जा रही है जो कि ठीक नहीं है। उनके मुताबिक कांग्रेस के 11 विधायकों की विधानसभा में भी उत्तराखंड की जनता ही रहती है, ऐसे में उनके विकास की चिंता क्यों सरकार नहीं कर रही। इनके घड़े में विष भरा हुआ है तो मंथन में विष ही निकलेगा। जो मुख्यमंत्री इतना भेदभाव करता हो कि राज्य में कांग्रेस शासित जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र हैं उनके उनके क्षेत्रों की आप मंथन न करें और केवल आप अपने 57 विधायकों के क्षेत्रों का मंथन करें, इतना भेदभावपूर्ण रवैया जिस मुख्यमंत्री का हो उससे आप न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या मंथन निकलेगा वहां से? तो जहर ही निकलेगा। राज्य का जो हाल इन्होंने कर दिया है पूरे प्रदेश के अंदर, बेरोजगारी का मोर्चा हो, प्रदेश के अंदर विकास का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, औद्योगिकीकरण का सवाल हो, राज्य में सब कुछ तो इन्होंने चौपट कर दिया। और अजीत कंबोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अजीत, ये लाजमी है जो प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सवाल यहाँ पर उठाए हैं कि एक मंथन होता है विकास को लेकर, प्रदेश को लेकर, कि आखिरकार 3 साल में हमने क्या किया है और विकास के पथ पर आगे हमें कैसे बढ़ना है, और इसी को लेकर जिलेवार तरीके से, विभागवार तरीके से यहाँ पर जो है चिंतन हुआ है, मंथन हुआ है। लेकिन आखिरकार जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको इस चर्चा में शामिल क्यों नहीं किया गया, ये लाजमी है, सवाल उठेंगे ही। बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात की जाए तो उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था जो मंथन कार्यक्रम होगा ये केवल और केवल भाजपा विधायकों पर फोकस होगा और भाजपा सरकार की जो भी नीतियां योजना है उन पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने हालांकि इस पर पहले ही दिन से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया था और जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार पूरे प्रदेश की होती है, केवल भाजपा विधायकों की सरकार नहीं है। और 11 जो कांग्रेस के विधायक है उनको क्यों मंथन कार्यक्रम से बाहर रखा गया है? क्या केवल सरकार 57 विधानसभा क्षेत्रों को ही देखकर चल रही है, उन्हीं क्षेत्रों में विकास होंगे? तो इस तरह के गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से सरकार पर लगाए गए हैं और मंथन कार्यक्रम जो जारी है उसमें तमाम जो भाजपा विधायक है उन्होंने अपनी बात रखी है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें साफ तौर पर विधायकों का ये कहना है कि आप वो योजनाएं लेकर सामने आए जिन पर त्वरित गति से कार्रवाई की जा सकती है, नीतिगत फैसलों को लेकर अब समय नहीं बचा है, 3 साल का कार्यकाल सरकार अपना पूरा करने जा रही है और महज 2 साल में, जिसमें 1 साल सरकार के पास कामकाज का होगा और अंतिम जो 1 साल होगा वो चुनावी वर्ष। बिल्कुल, देखा जाए तो त्रिवेंद्र सरकार का मकसद यहाँ पर अजीत यही नजर आता है कि विकास को लेकर मंथन चिंतन किया जाए और उसमें जो भी कमियां हो उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन सवाल यहाँ पर विपक्ष फिलहाल उठा रहा है। धन्यवाद आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।